दोस्तों अगर आप DVR के लिए नया अडेप्टर लेने जा रहे हैं तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, वो अडेप्टर एक तो 12 वोल्ट का होना चाहिए, खास बात का ध्यान रखना है। और दूसरा क्या, उस अडेप्टर का जो करंट होना चाहिए वो 3 एम्पेयर तक का होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे डिश वाले अडेप्टर होते हैं उनके जो एम्पेयर होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं, वो डिश वाले अडेप्टर ही DVR के साथ चलाते हैं और वो DVR हमारा फिर अच्छी तरह काम नहीं करता, या तो हार्ड डिस्क को वो बर्न नहीं कर पाता या फिर DVR ही रिस्टार्ट होता रहता है। तो ये मेन कारण है अडेप्टर। अगर अडेप्टर के एम्पेयर कम होंगे तो हमारा DVR अच्छी तरह काम नहीं करेगा और वो उसमें हार्ड डिस्क भी अच्छे से काम नहीं करती, कभी कभी हार्ड डिस्क शो होती है कभी नहीं होती, और अगर ज़्यादा ही कम है एम्पेयर तो DVR स्टार्ट ही नहीं होता। तो इस बात का ध्यान रखें जब भी आप अडेप्टर लेने जा रहे हैं DVR के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।